हे गाइज, इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज, अगर आप लोग इंडिया में यूज़ करते हो सैमसंग के डिवाइसेस, तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली वेट कर ही रहे होंगे वन यू आई 4.0 एंड एंड्रॉयड 12 अपडेट का। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ लेके आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वन यू आई 4.0 एंड एंड्रॉयड 12 अपडेट सैमसंग की तरफ से रोल आउट होने ही वाला है सैमसंग के बहुत सारे यूजर्स को। एंड ये जो अपडेट है रियली में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड बिग अपडेट होने वाला है। तो इसकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, करते हैं हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको वीडियो में, ये सब मैंने अपनी वेबसाइट updatescoop.com पे अपलोड कर दिया है एज एन आर्टिकल। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन वीडियो में समझ नहीं आए तो आप लोग जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इस आर्टिकल की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो गाइज, यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या हुआ है, यहाँ पे जो वन यू आई 4.0 अपडेट है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने ऑफिशियली एक पोस्ट करा था एंड उसमें बताया गया था कि सैमसंग की तरफ से वन यू आई 4.0 आप लोगों को सितंबर के फर्स्ट वीक 9th of September से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा एज एन बीटा फॉर्म। बट अभी तक अपडेट रोल आउट नहीं हुआ है एंड आज हमारी 12 सितंबर हो चुकी है। तो यूजर्स वेट कर रहे थे कि अभी तक वन यू आई 4.0 क्यों नहीं आया, अभी तक इसके क्या क्या यहाँ पे सिनेरियोज़ हैं। तो आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो ऑफिशियली कम्युनिटी मैनेजर हैं सैमसंग के, कोरियन कम्युनिटी मैनेजर, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि जो वन यू आई 4.0 अपडेट है इसका वर्क अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ है, अभी तक जो इसका फाइनल रोल आउट है उसको नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो हमारे डिवाइसेस को ब्रिक की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। एंड गाइस, ये जो ब्रिक का इशू होता है ये रियली में बहुत बड़ा इशू होता है, कोई सी भी ऐसी ब्रांड नहीं चाहती कि अपडेट के बाद उनके डिवाइसेस ब्रिक हो। आपको अगर थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहते हो कि कम्युनिटी के अंदर, तो आप लोगों ने एक डिवाइस का नाम सुना होगा मी ए थ्री के साथ एक बार ऐसा ही सीनेरियो हुआ था, उसके बाद जो डिवाइसेस है बहुत ज़्यादा ब्रिक हो गए थे और साउमी को बहुत ज़्यादा तगड़ा लॉस हुआ था। तो कुछ उस टाइप का सीनेरियो ना हो सैमसंग के डिवाइसेस के साथ। सो दैट वाई वन यू आई 4.0 को अभी के लिए थोड़ा सा डिले करा जा रहा है, क्योंकि ये अपडेट को अभी आपके डिवाइसेस में फाइनली रोल आउट नहीं कर सकते, अभी रेडी नहीं है। अगर करते हैं तो आपके डिवाइसेस ब्रेक हो सकते हैं एंड अदर भी आपको बहुत सारे इश्यूज अपने डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो अपडेट है आप लोगों को अभी ऑफिशियली नहीं बताया गया है, जो नया टाइमलाइन है वो अभी रिलीज़ नहीं करा गया है कि कब तक आएगा। और अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं आया, तो मेन प्रॉब्लम यही आ गई है, फाइनल रोल आउट के जस्ट पहले एक इशू आ गया जिसकी वजह से अपडेट को थोड़ा सा डिले करना पड़ा है। तो आई होप आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन समझे होंगे, और सैमसंग के हिसाब से भी ये जो अपडेट है डिले करा गया है बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोगों को कोई भी इशूज नहीं देखने को मिले। और अगर हम लोग बात करें इसका जो न्यू रोल आउट स्केड्यूल है वो कब आएगा, तो आप लोगों को जस्ट इस महीने तक का वेट करना है, सेप्टेम्बर के एंड तक आपको फाइनल रोल आउट का स्केड्यूल देखने को मिल जाएगा। जो फाइनल रोल आउट चार्ट है वो आपको आ जाएगा, देन आपको पता चल जाएगा कि कब हमें वन यू आई 4.0 आपके डिवाइसेस में देखने को मिलने वाली है। जहां तक की चांसेस हैं सितंबर 2021 में ना ही आए वन यू आई 4.0, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और आप लोगों को क्या पता सितंबर में ना देके वन यू आई 4.0 का अपडेट थोड़ा सा एक्सटेंड करके कर दिया जाए अक्टूबर 2021 में। बट अक्टूबर में ये जो अपडेट है फाइनली आपके डिवाइसेस के अंदर आएगा। उसी के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट है सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज़ के अंदर आएगा, देन गैलेक्सी नोट सीरीज़ के अंदर, देन गैलेक्सी मिड रेंज जो सैमसंग के डिवाइसेस हैं गैलेक्सी ए सीरीज़ एंड एम सीरीज़, इन डिवाइसेस के अंदर आएगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा, और वेट कर लो क्योंकि आप लोगों के डिवाइसेस में बग्स ना आए, यही सैमसंग भी चाहती है एंड यही आप लोग भी चाहते होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन अवर वेरी नेक्स्ट वीडियो।